कतना जब लिखल तो 700 800 पाँच आदमी ही दलियो से कोई तो बनेबे न कलियो कची पैसा दलहो ये कॉलोनिया तो गैस है तो ये तो बूढ़ा पिल्थिन में आपको जी बूढ़ा आदे की सबके जंगले ले जाते हैं जाता है सरकारी जितना जुटता उतना करती है जितना जुटता उतना करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं अपना कुछ नहीं खेती होती कुछ नहीं कुछ नहीं है खाली सिर्फ एक रूम है घर में बस मेरा नाम है गुरन मांझी गुरन मांझी जी मांझी जी आप जंगल से लकड़ी लाके खाना बनाते हैं आप लोग को तो फ्री में गैस मिला था कॉलोनी तो देवे निकल के हम तो ठोकवा खा रहा है ठोकवा खा रहा है लेकिन गैसवा मिल रही सरकार से ना मिलो कुछ ना मिलो कुछ बुरा पृथ्वी यादव के मिलो देखिए इधर देखिए कैसे जा रहे इधर देखिए कैसे जा रहे हैं लकड़ी लेके क्या बोले गरीब कहीं के ना मिलो यादव के मिलो फ्री यादव के कॉलोनी मुसारण कैसे मुतल भी गले ठोकवा चली नहीं नहीं मुतल सब एक मिलता है कि प्रधानमंत्री सब एक बराबर देखते हैं हम भी चलो दिखा देंगे चलो हम भी ठोकवा खा रहा ठोकवा खा रहे अब पोलथिन लाद के ऐसे रो ये ठोकवा आई कौन चीज लेके जा रहे इधर दिखाई देखिए खुद से दतमन नहीं कौन चीज आई दतून है दतून देखिये बरस करते इसके क्या करते बेचते है ले जाके तो की करिए भूखा कैसे मुट्ठी बेचो खो एने देखो बोलो ने कैसे बेचो खो पाँच रुपया कई पीस चार गो रुपए देखो धनिया से कई किलोमीटर पहाड़ घूमे है ढेर गुर गलिए दिन भर में देखिए ये लकड़ी के साथ साथ दत्तून मिलाते हैं इसका कहीं बेचते हैं ना मार्केट में ले जाके तो क्यों करिए भूखल भूखल सरकार ने कॉलोनी देने घर दलक ने फ्री दिया है तो कुछ मोटेल मोटवो है जगरा 10 बीघा खेत है सगरा दे कॉलोनी दे है और देखो गज गज मतलब जदवन के हमने ना किया आपको नहीं मिला कुछ कुछ नहीं का है कुछ मिलवे कर लो तो नहीं मिल रहा है इतना लिखे दे कतना जब लिख लिया तो 700 800 पाँच आदमी ही दलियो से कोई तो बनेबे न कलियो कची पैसा दलहो ये कॉलोनिया है तो गैस है तो ये तो बूढ़ा पिल्थिन में आपको जी बूढ़ा पिल्थिन में ना मिलो को एक बजे मिल के आओ बन रहे लो तो बड़ी स्थिति खराब है तुम्हारे लोगों ने तो सरकार से की कहना चाहते हैं हमने कॉलोनिया दत्त के लिए आपको जी कॉलोनिया और कौन जी अब बूढ़ा पिल्थिन दत्त आपको जी बूढ़ा पिल्थिन देखिये इनको बूढ़ा पिल्थिन मिलना चाहिए और कॉलोनी मिलना चाहिए गोर ने आता तो पहना लग जंगल जाए भूखल भूखल दतवनिया बेच के खा चाहिए दतवन लाते हैं रोज कितना दतवन बेच लेते हैं 40-30 रुपया कते पे 2 किलो 4 दे 3 किलो 3 किलो 4 इसमें आपका रोजी बसर हो जाता है भूख दुख मर के रोज हमने खेत ने बारी राजी रामा तो इसमें से खाना पीना आपका रहन सहन सब हो जाता है ना आए? तो कैसे गुजारा होता है फिर वैसे चुटचुटी झपड़ियों में रोज बैठा तो खाना पीना रोज खाते हो जैसे सब चीज हो जाता है व्यवस्था नहीं होता है तब अभी सब क्या करना चाहते है अभी जब हो ही नहीं रहा है तो कुछ कीजिएगा ना आगे कुछ करियो कुछ नहीं आए कुछ ना करबो तो लकड़ी सब लाबो तो लकड़ी लाबो खो ना हमरा समगे नहीं देखो पैना लग जाए समगर तब लकड़ी लेती गेल तो ये खैनिया खा लो हम पैसा नहीं लगो ये तो बंद कर दो थोल की करिए भूखल दुखल मन बहलान करो खैनी पेट भरो है खाली दतमनिया लाबो खो तो खैनिया खा खो आपको पैसे कमाई है दमोदर मांझी जी तो ये आप जो ला रहे लकड़ी घर में गैस नहीं मिला आपको काहे नहीं सरकार तो फ्री में सबको गैस दे रहा है सब कुछ फार्म भर के दिए कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कुछ नहीं तो काहे नहीं मिला तो अभी की करना अभी सरकार चेंज करना है की तो सरकार चेंज नहीं करेगा इनको लाइएगा अभी जो आ जाए तब किनको वोट दीजिएगा जिस टाइम में समय आएगा उस टाइम बताएंगे उस टाइम बताइएगा तो आपको गैस नहीं मिला इसीलिए लकड़ी पर खाना बनाते हैं क्या करेंगे गैस नहीं मिला तो भूखल पे भूखल रहे हैं कितना दूर से लकड़ी लाते हैं जाके लगभग 50 किलोमीटर इधर देखिए इधर 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 देखिए तो कितना दूर से लाते लकड़ी 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर से ये तो बहुत बड़ा बहुत मेहनत करते होंगे फिर तो बिना मेहनत से फल मिलता है तो एक दिन में आ जाते 50 किलोमीटर से जी मेहनत का रुपया है बाबा क्या बोले बगैर मेहनत के रुपये ना है नहीं। तो कितना दूर से लाते हैं लकड़ी देखिए कितना दूर से लाते हैं ले लेके धीरे धीरे लेके जाते हैं इतना पूरा खोल के इसको अभी 2 बोझा बनाइएगा तीन बोझा बनेगा नहीं कोटा कुछ नहीं मिलता है राशन कार्ड है नहीं देखिए अभी तक इनके ना राशन कार्ड है न कुछ बनबे कर ले हमने सबके अभी कुछ ने सरकार से कुछ अभी जानबूझ कर तो गैस दिया है सबको खाने के लिए फ्री में राशन मिल रहा है
कुछ नहीं, लेकिन इनको कहना है कि अभी सरकार से हमको कुछ नहीं मिला है और बहुत दूर से जंगल पहाड़ी देख लीजिए, इधर पहाड़ी से लकड़ी लेकर आते हैं। क्या बोले? दो बाल बच्चा है, दो बेटा दो बेटी है। तो कैसे हो जाता है इसे गुजर तक पढ़ाते उड़ाते कि सबके जंगले ले जाते जाता है? सरकारी जितना जुटता उतना करती है, जितना जुटता उतना करते हैं। और खेती बाड़ी करते हैं अपना? कुछ नहीं, खेती उती कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली सिर्फ एगो रूम है घर में बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। देखिए बहुत स्थिति इनका दयनीय है। और क्या आचार जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें क्या कहना चाहते हैं? कुछ तो बोलिए, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? अब हम सरकार के की कहवे, सरकार के कुछ मानते नहीं, हमने संपर्क तो करना की है। तो कारा पूरा किसान के बारे में सोचते हैं, सरकार तो आपके बारे में नहीं सोचे कभी? कभी नहीं सोचा कि सरकार चार गो बाल बच्चा है तब एगो रुपया नहीं जानवे सरकार के, तो कुछ ही उठकर बारे सोचिए। फ्री में राशन मिल रहा है खाने का, एक महीना हर महीना मिल रहा है, वो आपको नहीं मिलता है? ना, हमने सुन के राशन कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड बन के ले तो दो आदमी नाम है, तो वो 8 किलो गल्ला दिया है, वो नहीं दिया है। काहे नहीं देता है? डीलर को बोले, मुखिया को बोलिए। अब यहाँ मुखिया या डीलर वा तब जाइबन करता है, कोई नहीं तो हम अकेले कहा जाए, कोई नहीं जाता है।